हमारी वेट लॉस सीरीज का आज है डे फोर। डे फोर में आज हम करने वाले हैं लोअर बॉडी वर्कआउट, यानी कि आज की जो एक्सरसाइजेस होंगी ये आपके हिप्स के फैट को, थाइस के फैट को, लोअर बेली के फैट को और आपकी काफ मसल्स के फैट को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करने वाली हैं। आप लोगों ने अगर इस सीरीज़ के पहले के तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने अपर बॉडी वर्कआउट के बारे में बताया है, बेली फैट वर्कआउट बताया है और कैसे आप अपनी बॉडी को तैयार करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए उसके बारे में बताया है। तो तीनों पार्ट्स को एक बार ज़रूर देखना और फिर आज की एक्सरसाइजेस आपको करनी है। अगर आपको सिर्फ लोअर बॉडी से फैट रिड्यूस करना है तो ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अपने चैनल स्टेप फिट विद अभिलाषा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पर आते रहती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। इसके लिए आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से दीवार पर हाथ रखेंगे, अपने पैर को पूरा आगे इस तरह से लेके जाएंगे और पूरा पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है। इस तरह से 10 बार हम अपने एक पैर को लेके जाएंगे और 10 बार दूसरे पैर को। So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेम दूसरे पैर से करेंगे। आप चाहें तो इसको बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड जस्ट रिलैक्स। आप देखोगे आपके जो पैर हैं वो भी एक्सरसाइज करने के लिए स्टार्ट हो गए होंगे। हल्का हल्का खिंचाव आप यहाँ पे महसूस कर रहे होंगे, है ना। जिनके घुटनों में दर्द है वो भी ये वाला प्रैक्टिस जो अभी हमने किया है वो डेफिनेटली कर सकते हैं इसको। दूसरा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जिसमें सेंटर में आएंगे और अपने पैरों को आपको साइड में लेके जाना है। इस तरह से पैर का अंगूठा आप नीचे लगाएंगे और फिर इस तरह से वापस दूसरे साइड में नीचे लगाएंगे एंड वापस, ठीक है। इट्स वेरी इजी, सो जस्ट डू विद मी फॉर नेक्स्ट 20 काउंट्स। कम ऑन, कमर को एकदम सीधा रखिए एंड लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4 सामने देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 And just relax and get ready for the next practice. अगली practice करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से यहाँ पर लेके आएंगे, बिल्कुल अपने chest के आगे। जब तक मैं आपको exercise explain कर रही हूँ इसको आप अपना rest time मानिए और इतनी देर आप rest कीजिए और अगली exercise को ध्यान से पहले देखो, फिर आप मेरे साथ साथ में करना, ठीक है। दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे अपने chest के सामने, अपना फेस एकदम सामने रखिए और अपने घुटनों को ऊपर उठाइए ऐसे, ये जितना ऊपर उठा सकते हैं। हो सकता है अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो पहली बार आप शायद ये प्रैक्टिस इस तरह से ना कर पाएँ, तो हाथों को थोड़ा सा नीचे लेके जाइए और फिर आप ये प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको हाथों को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है, एक ही जगह पर फिक्स करो और वहीं तक पैरों को लेके आने का ट्राई करो। कम ऑन, लेट डू द 20 रेपिटेशंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 अभी आप मेरे साथ साथ में कर रहे हो तो इतने इतने रेपिटेशंस ही करो। जब बाद में आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इनके रेपिटेशंस को आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। अगली प्रैक्टिस करने के लिए अपने पैरों को आपको चार बार बाहर रखना है और चार बार आपको टो टचेस करना है। एक बार देखो फिर आप करना, इस तरह से 1, 2, 3, 4 एंड देन ओपन योर लेग्स एंड 1, 2, 3, 4 वापस, फिर से 1, 2, 3, 4 एंड देन ओपन 1, 2, 3, 4 हो सकता है आपके हाथ आपके अंगूठों तक ना जाएं, कम्प्लीटली ओके आप यहाँ पे टच कर सकते हो चलेगा, लेकिन आपको अपने घुटनों को फोल्ड नहीं करना है, ऐसे घुटने मोड़ के प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ में कीजिए, 1, 2, 3, 4 ओपन योर लेग्स एंड 1, 2, 3, 4 सेंटर 1, 2, 3, 4 ओपन 1, 2, 3, 4 सेंटर 1, 2, 3, 4 ओपन 1, 2, 3, 4 सेंटर
1, 2, 3, 4. ओपन 1, 2, 3, 4 एंड सेंटर. कंप्लीटली रिलैक्स, नॉर्मलाइज योर ब्रेथ. अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखना. नेक्स्ट इज द बट किक्स. तो क्या करना है आपको, बिल्कुल सीधे खड़े होना है इस तरह से, दोनों हाथों को साथ में रखिए, अपने एड़ियों को ऊपर उठाइए और अपने हिप्स पे टच कराने का ट्राई करेंगे, कमर को एकदम सीधा रखेंगे इस तरह से, ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. ऐसा करने से आप देखोगे आपकी जो थाइस की मसल्स हैं यहाँ पे काफ़ी आपको दबाव जैसा महसूस होगा, यहाँ की मसल्स आपको एंगेज होते हुए महसूस होंगी. सो जस्ट फील योर थाइस एंड देन डू दिस प्रैक्टिस. कम ऑन, ये आपकी काफ मसल्स के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. सो जस्ट डू दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 सामने देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. एंड जस्ट रिलैक्स, कम टू द सेंटर, रिलैक्स योर ब्रीथ. फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइज की है आप देखोगे इन एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में यहाँ से नीचे आप हल्का हल्का पेन या ऐसे मसल्स में आप एंगेजमेंट जैसा फील करोगे, है ना. तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके इन सारे मसल्स को टारगेट कर रही है जहाँ पे आप थोड़ा भी सेंसेशन फील कर रहे हैं. फ्रेंड्स अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मैं नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके क्लासेस की ज़्यादा जानकारी लेके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. लाइव क्लासेस में मैं आपको डेली वर्कआउट के साथ साथ डाइट प्लान भी देती हूँ जो कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, और अगर आपको किसी भी तरीके का डिसीज़ है, कुछ भी परेशानी है, उसमें भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. चलिए अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोलिए और खोलते जाइए थोड़ा थोड़ा करके. जितना आप पैरों को खोल के आराम से बैलेंस कर सकते हैं उतना पैरों को खोलते जाइए इस तरह से. दोनों हाथों को इस तरह से ओपन कीजिए एंड जस्ट टच योर टोस, लेफ्ट से राइट वाला और राइट से लेफ्ट वाला. ठीक है, ध्यान रखना कि घुटने आप बिल्कुल सीधे रखेंगे. अगर आप अंगूठों तक पहुँच पा रहे हैं पैर के, कम्प्लीटली ओके. नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ तक पहुँचो इस तरीके से करो. ठीक है, कम ऑन, लेट डू द 20 रेपिटेशंस. ओपन योर हैंड्स एंड जस्ट डू इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. रिलैक्स वेल, ठीक है, कंप्लीट रिलैक्स. बाकी प्रैक्टिस हम बैठ के करेंगे, तो चलिए नीचे मैट पे बैठ जाते हैं. अपने दोनों हाथों को आगे रखिए इस तरह से यहाँ पे, ठीक है. दोनों घुटने नीचे रखेंगे, पैर को पीछे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से. एक पैर को पीछे स्ट्रेच करना है आपको, पैर को पूरा ऊपर लेके आइए और नीचे ऐसे, ऊपर नीचे. ध्यान रखना कि घुटना आपका सीधा रहेगा, ठीक है. चलिए इस एक पैर से पहले हम 10 बार करेंगे, दूसरे पैर के जो टोज हैं इसको एकदम फ्लैट रखेंगे. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चेंज, दूसरे पैर से सेम प्रैक्टिस. 1, 2, 3, 4, हाथ सीधे रखिए. 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से अपने दोनों पैरों को साथ मिलाइए एंड जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स कीजिए. अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए अब अपने दोनों पैरों को सामने रखिए इस तरह से. ये दोनों पैरों को बाहर खोलते जाइए इस तरह से, और अपने दोनों पैरों को एक साइड में डाउन करिए इस तरह से, पूरा नीचे. ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपके दोनों घुटने नीचे आ जाएं. एंड देन सेंटर, अदर साइड, चेंज 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 चेंज. ठीक है, चलिए इसके हम करेंगे टोटल 10 राउंड्स. लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10.
ये एक्सरसाइज आपके थाइस के फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी मैंने इसके 10 राउंड करके आपको बताए हैं, जब आप खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे बाद में तो आप कम से कम 30 रेपिटेशन ज़रूर करना, ठीक है। अगली प्रैक्टिस, ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाली हूँ ये देखने में बहुत आसान आपको लगेगी, लेकिन ये आपके काफ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जो यहाँ पे टाइटनेस रहती है इसको कम करने के लिए, अगर आपको वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम है तो भी एक्सरसाइज आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आपको रात में जैसे आप सोने के लिए जाते हैं पैरों में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ऐसे हड़कल जैसा अगर महसूस करते हैं, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो भी एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को तो आपको ज़रूर करना है, ये तो एक आदत में ले आओ अपनी कि डेली आपको करना ही करना है। दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, एकदम सीधा ऊपर उठाइए। अगर आप छोड़ सकते हैं हाथों को तो इस तरह से छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं बैलेंस बन रहे, तो इस तरह से अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। घुटने एकदम सीधे कीजिए, पैर के अंगूठे छत की तरफ खींचिए, एक बार आपको ऐसे छत की तरफ खींचने हैं और एक बार आपके फेस की तरफ, ये ऐसे, ये ठीक है। चलिए इसको आपको टोटल 10 बार करना है। 1 2, घुटनों को जितना हो सके सीधा खींच के रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को धीरे से नीचे लेके आइए एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बेली के फैट को भी रिड्यूस करती है और आपके पैरों के फैट को भी कम करने में हेल्प करती है। चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसमें अपने एक पैर को आप इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं, दूसरा पैर ऊपर लेके आइए और इस तरीके से पैर से ऐसे सर्कल्स बनाइए, ये ठीक है। 10 बार हमें एक पैर से बनाने हैं, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज और 10 बार हमें दूसरे पैर से बनाने हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे घुटने को आप मैक्सिमम सीधा रखिए, ठीक है। नेचुरली थोड़ा बहुत मुड़ता है, कम्प्लीटली ओके, बट अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे कि आपका पैर सीधा रहे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5, दूसरी साइड से 1 2 3 4 5, कम ऑन चेंज द लेग, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, एंड जस्ट रिलैक्स। आप देखोगे प्रैक्टिस करने के बाद आपकी बेली में भी आपको काफ़ी खिंचाव महसूस होगा, ये मसल्स भी आपकी इंगेज होंगी, प्लस आपकी जो पैरों की मसल्स हैं, थाइस की मसल्स हैं, काफ की मसल्स हैं, उसमें भी आप काफ़ी सेंसेशन फील करेंगे। तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये आपको एज इट इज़ इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इनिशियली इतने ही रेपिटेशंस काफ़ी हैं, बाद में धीरे धीरे आप इनके रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। अब जो एक मैं लास्ट एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी है, दिन में जब भी आपको टाइम मिले तब आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। आपके पेल्विक फ्लोर के लिए, आपकी थाइस को स्ट्रांग बनाने के लिए और थाइस के फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपको बटरफ्लाई करना है, ठीक है, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द है, घुटने फोल्ड नहीं होते हैं, उस केस में पैरों को थोड़ा सा आगे रख के और फिर आप इस तरीके से कीजिए, जहाँ तक आप पैरों को फोल्ड कर सकते हैं वहाँ तक पैरों को फोल्ड कीजिए और फिर इस तरीके से पैरों को मूव कराइए, ठीक है। इसके भी आप कम से कम 20 रेपिटेशन ज़रूर करें। तो इस तरीके से इन सारी एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डे 4 का पूरा वर्कआउट, आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब हम मिलते हैं डे 5 में और आप सब लोग गेस कीजिए कि डे 5 में हम अपनी बॉडी के कौन से पार्ट को टारगेट करने वाले हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स इस वीडियो के नीचे देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं डे 5 में, नमस्ते।